संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है उम्मीद है। हमने अज्ञान के बारे में समष्टि व्यष्टि रूप से दूर रूप से जाना था, उसमें हमने तुरीय अवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। आज हम तुरीय अवस्था के बारे में जानेंगे, फिर और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो तुरीय अवस्था को थोड़ा सा जान लीजिए, जिसमें कहा गया है अनेर अज्ञानत उपहित चैतन्यो आधारभूत। यहाँ याद रखना बस दो शब्द हैं, आधारभूतम तद अनुपहित चैतन्यम, अनुपहित चैतन्य तुरीयम उच्यते। दो चीज हैं, जो अज्ञान से उपहित चेतन है उसका जो आधारभूत है, अज्ञान से उपहित चेतन का आधारभूत क्या है, अनुपहित चेतन, इसी का नाम तुरीय है, अर्थात चतुर्थ अवस्था इसी के नाम से जाने जाती है। अनुपहित चेतन का नाम ही तुरीय है, बस इसको इतना सा याद रखना है। अज्ञान के आधारभूत अवस्था जो है वो अनुपहित चेतन है और इसी को तुरीय के नाम से जाना जाता है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो तुरीय अवस्था सीधी बात है, जो अनुपहित चेतन है जिसमें अज्ञान बिल्कुल भी संलिप्त नहीं है, जो शायद वो कैवल्य की अवस्था भी मान सकते हैं इसको एक तरह से, वो चेतन की अनुपहित चेतन की अवस्था है, वो तुरीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें एक बात तो ये हो गई, दूसरी है वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ रूप से तत्त्वमसी नाम है, नाम नहीं तत्त्वमसी एक महावाक्य है, इसको दो रूप में जाना जाता है, वाच्यार्थ के रूप में भी और लक्ष्यार्थ के रूप में। कब लक्ष्यार्थ जाना जाए, कोई व्यक्ति कहे कि तत्त्वमसी, यानी वो तत्त्वमसी यानी मैं तत्त्वमसी, यानी मैं तत्त्वमसी यानी मैं वही तत्व हूं, तो ऐसा अगर जाना जाए तो वो लक्ष्यार्थ कब होगा, वाच्यार्थ कब होगा। इसमें थोड़ी सी बात जानना है कि ये कहा गया है कि ये जो उपहित जो तुरीय अवस्था है, ये अज्ञान से उपहित होने पर अव्यक्त अवस्था में, अविव्यक्त अर्थात अलग ना होती हुई अवस्था में, अलग ना होने की अवस्था में, अलग ना होने की अवस्था में एक साथ, यानी अज्ञान के साथ जब वो संलिप्त होती है ये तुरीय अवस्था या चैतन्य की जो अवस्था है, तो वो तत्त्वमस्ति के अंतर्गत आता है। और अलग अवस्था जब प्रतीति होने लगे, अलग यानी कि उसको ज्ञान हो जाए, भान हो जाए कि मैं अलग हूं और चैतन्य अज्ञान अलग है और चैतन्य अलग है, तुरीय अवस्था अलग है, तब वो तत्त्वमसी की अवस्था लक्ष्यार्थ की अवस्था होती है। ये बस याद रखनी है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, जैसे लोहा है, लोहे को तपाया जाता है, अग्नि बनाई जाती है, अग्नि उसमें लगाई जाती है तो वो लाल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति उसको आग का गोला ही समझने लगे, अग्नि ही समझने लगे, तो वो वाच्यार्थ की अवस्था होती है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको समझे कि अग्नि अलग है और लोहे का गोला अलग है, तो वो लक्ष्यार्थ की अवस्था होती है। ये दो चीजें हैं, बस इनको समझ गए तो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ में कभी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में, लक्ष्यार्थ सीधे अज्ञान और चैतन्य को जान जाए तो वो लक्ष्यार्थ की अवस्था होती है, लेकिन चैतन्य अर्थात तुरीय अवस्था को और अज्ञान को सम्मिलित अवस्था जो होती है वो वाच्यार्थ की अवस्था होती है। तब तत्त्वमसी वाच्यार्थ जब होगा, जब दोनों संलिप्त रूप से होंगे, अलग अलग रूप से जब माने जाएंगे, तत्त्वमसी लक्ष्यार्थ की अवस्था होगी। तो ये तुरीय के बारे में दो चीज थी। तुरीय कहते हैं जो उपहित चेतन है उसका आधारभूत अनुपहित चेतन को तुरीय अवस्था बोला जाता है, और तुरीय अवस्था से उपहित जो अज्ञान से उपहित जो तुरीय अवस्था है वो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के रूप में, ये तत्त्वमसी महावाक्य रूप में जाना जाता है। उम्मीद है दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम इसको अज्ञान की जो दो शक्ति है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही उलझाव है, उसमें जान जाएंगे तो हमें आगे समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में हम सूक्ष्म शरीर पर आराम से चल सकते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में जान सकते हैं। अज्ञान की शक्ति, यहां मैं लिख ही देता हूं, वैसे लिखने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। अज्ञान की दो शक्तियां होती हैं, नंबर एक होती है आवरण, दूसरी होती है विक्षेप।
ठीक है। अब आवरण और विक्षेप के बारे में थोड़ी बातें जानते चले, क्योंकि आवरण और विक्षेप शक्ति में ये समस्या हो जाती है किसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ रट लिया जाता है कि लिंग आदि ब्रह्मांडांत जगत सृजते, यानी कि अज्ञान विक्षेप से लिंग से लेकर के ब्रह्मांड ब्रह्म तक पर्यंत तक इससे ही उत्पत्ति होती है, ये कंठस्थ कर लिया जाता है। लेकिन होती कैसे है इसको थोड़ा सा जान लें। आवरण का मतलब होता है ढक लेना, जैसे सूर्य है, सूर्य निकला हुआ, उसमें जब बादल आ जाते हैं तो वो ढक जाता है, तो वो अवस्था आवरण की अवस्था हो गई, उससे कोई चीज दब गई है, उससे उत्पन्न नहीं हुई है। और विक्षेप की अवस्था होती है उत्पन्न की अवस्था। एक उदाहरण रस्सी वाला जब हमने देख रहे थे उसमें, तो रस्सी में जब सर्प की संभावना हो, यानी कि सर्प अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, उसमें सर्प बना नहीं है, लेकिन सर्प की संभावना है, अर्थात उसमें रस्सी का जो ज्ञान था वो ढक गया है, तो संभावना हो सकती है कि सर्प हो, ये संभावना है, अभी सर्प बना नहीं है, तो वो आवरण की अवस्था कहलाएगी। लेकिन उस रस्सी का ज्ञान तो हो ही नहीं, सिर्फ सर्प का ही ज्ञान हो कि सर्प है, तो वो विक्षेप की अवस्था होगी, अर्थात सर्प उसमें उत्पन्न हो चुका है, ये विक्षेप की अवस्था है। इसमें भी कहा गया है कि इस जो आवरण शक्ति है वो अपनी शक्ति से आवृतस्य आत्मना, यानी कि अपनी जो आवरण अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो आवृतस्य उसे द्वारा अनया आवृतस्य आत्मना, यह ऐसे करके बोला गया, आवृतस्य आत्मना कर्तृत्व भोक्तृत्व दुखित्व सुखित्व आदि संसार से संभावना आपकी भवति, इसके द्वारा कर्ता का भाव, बस इसको याद रखना है, भोक्ता का भाव, दुखी सुखी, आवरण शक्ति से ढका हुआ ज्ञान की आवरण शक्ति से ढकी हुई आत्मा अपने आप को कर्ता भोक्ता दुखी सुखी आदि समझने लग जाए, जो समझी रही है आत्मा कि मैं कर्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, वो आवरण की अवस्था के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना इस बात को, कभी यह प्रश्न आ जाता है कि कर्ता का भाव या भोक्ता का भाव जो होता है वो अज्ञान की किस शक्ति के द्वारा होता है, तो याद रखना है वो अज्ञान की शक्ति के द्वारा होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विक्षेप शक्ति से जो अज्ञान है, यहां थोड़ी सी बात समझने की है, ये हमने जान लिया विक्षेप शक्ति से लिंग से लेकर के ब्रह्मांड तक ये सारा जगत की उत्पत्ति हो जाती है विक्षेप से। तो यहां याद रखना संभावना, यहां उत्पत्ति या उद्भावना, ये दोनों चीजें हैं। इसमें कहा गया है तमहा प्रधान अज्ञान से उपहित, यहां याद रखना है ये मुख्य है। वहां जो हमने पहले अध्ययन किया था वहां विशुद्ध सत्य प्रधान और मलिन सत्य प्रधान, यानी सत्व की प्रधानता थी, इसलिए अज्ञान को त्रिगुणात्मक बोला गया है। अभी हम तम की प्रधानता आ गई है, तमस, वहां सत्व की प्रधानता थी, तो यहां तम प्रधान अज्ञान से उपहित चैतन्यात ऐसा बोला गया है, चैतन्यात। अब ध्यान रखना है वहां तो कर्ता अज्ञान से कर्ता वगैरह का भाव हो रहा था, यहां अब चैतन्य से चैतन्यात, किससे, अज्ञान से, तम की प्रधानता युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्यात आकाश, मैं यहां लिखता चलूं आकाश, और आकाशात वायु, और वायु वायु से अग्नि, अग्नि ने जल यानी आपह, और आपात पृथ्वी, इस तरह से उत्पत्ति होती है। यानी कि तम प्रधान अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इनको हम सूक्ष्म भूत तन्मात्रा अपंचीकृत, इतनी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं
यह जो अवस्था है चेतन से उत्पन्न होने वाली आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं, तन्मात्रा भी कहलाती हैं और अपंचीकृत की अवस्था भी कहलाती है। पंचीकृत की अवस्था स्थूल में आ जाती है, जब पंचीकृत हम पढ़ेंगे तो वो स्थूल शरीर के अंतर्गत आता है। तो यहां से अब सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो जो हमने व्यवस्था देखी है यहाँ, इसको याद रखना है, ये चेतन की अवस्था तम प्रधान युक्त अज्ञान से उपहित चेतन से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। यहाँ भाव उत्पन्न होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सोता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, सारा भाव आवरण शक्ति के अंतर्गत आता है। तो आवरण और शक्ति और विक्षेप शक्ति में अगर अंतर समझ में आ गया तो फिर वेदांत सार ये समझिए कि इसके बाद में फिर समझ में आ ही जाएगा, फिर तो कंठस्थ करने वाली चीज आ जाती है सारी। ये इनके सूक्ष्म शरीर कितने होते हैं, 17 अवयव होते हैं, उनको रट लो। इनके तन्मात्राएं कितने होते हैं, उनको कंठस्थ कर लो। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको अंतःकरण को याद कर लीजिए, 5 वायु हैं उनको याद कर लीजिए, फिर तो समझने को कुछ है ही नहीं, फिर तो कंठस्थ करते चले जाइए। अभी तक सिर्फ समझने की चीज है। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी बात थी वो समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म भूत है ये याद रखना, यही तो हम इसमें जानेंगे सूक्ष्म शरीर के बारे में। अब आगे वाले समय में हम सूक्ष्म शरीर को जानेंगे, ये सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, मैंने ये बताया था सूक्ष्म शरीर में और बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वो चेतन की ये तम प्रधान क्यों कहा गया इसके बारे में थोड़ा बताना था मुझे। तम प्रधान इसलिए कहा गया है कि आकाश आदि को यहां जड़ माना गया है और जड़ जो चीज मानी जाती है वो तम से ही उत्पन्न हो सकती है, वो सत्व से उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने तम प्रधान अज्ञान से उपहित चेतन, अब चेतन कई प्रकार से उपहित हो गया, सत्व से भी हो सकता है, वो रजस से भी हो सकता है और यहाँ तम से भी हो गया है, तो ये याद रखना है। तो ये चेतन है वो बेचारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे अज्ञान से उपहित हुआ है ये देखना है। तो यहाँ तम की प्रधानता इसलिए है क्योंकि ये सब जड़ है, अज्ञान आकाश आदि जड़ होने के कारण इनको तम प्रधान माना गया है। उम्मीद है ये थोड़ी सी बात थी आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही।